तो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए हो कि ये वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। तो गाइस, आज आपको बताने वाला हूँ, इंस्टॉलिंग तो मैंने करके देख ली है पहले भी। सो गाइस, ये रहा हैजार्ड फ्लैशर जो कि देख सकते हो आप, अल्ट्रा वे की तरफ से आता है। तो साइड बाई साइड कोई ब्रांडिंग नहीं है, बस यही एक इसकी वेबसाइट लिखी हुई है, इसका लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, एंड पल्सर RS NS AS के लिए ये प्लग एंड प्ले है। हैजार्ड फ्लैशर आता है इसका नाम से, इसका नाम ही है मतलब हैजार्ड फ्लैशर है, जो कि बाइक में अपने इंस्टॉल करते हैं हम लोग। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले जो निकलता है वो है कि अंदर वारंटी कार्ड, इसका 2 ईयर की वारंटी मिलती है इसके साथ, एंड एक ये फ्लैशर, एंड मिलता है एक ये हमें स्विच। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मैंने इसको लगा के देखा बाइक में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके बाद होने लग गई हैं। प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं कि मैं तो इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसको लगाएँ अपनी बाइक में। क्यों नहीं लगाएँ मैं बताता हूँ इसको, मेरे साथ इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके साथ मैंने फेस की हैं। तो गाइस, प्रॉब्लम इस मेरे को इसके साथ यही हुई है कि मेरी बाइक की वायरिंग सारी ख़त्म हो गई थी। अभी जैसे कि स्विच ऑन है, मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, तो जैसे कि अभी इंडिकेटर वगैरह सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके सारे फ्यूज़ वगैरह सही करवाया अभी रिसेंटली हैं। जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया है, देन नेक्स्ट डे ना इसकी लाइट, मीटर लाइट चल रही है, ना मीटर चल रहा है, ना हेडलाइट जल रही थी, ना इंडिकेटर जल रही थी। फिर मैंने इसको घर पर चेक किया, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसके फ्यूज़ वगैरह, जो जो मैंने फ्यूज़ हो गए थे। तो मैंने ये नट्स खोल रखे हैं, जो सबसे पहले आपको बैक सीट खोलनी होती है, इसके बाद ये सारे फ्यूज़ वगैरह नीचे ही होते हैं क्योंकि हमारी बाइक में। तो ये रहा हमारा फ्यूज़ बाइक का, ये रहा हमारा, तो इसको खोलते हैं जल्दी से, ये देखिए। तो गाइज़, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 के 6 मेरे फ्यूज़ हो गए हैजार्ड फ्लैशर ऑन करते। इसके बाद मैंने इसको फ्यूज़ को रिप्लेस करवाया शॉप पर जाके, एंड देन इसके बाद फिर सेकेंड डे मेरे साथ यही होता है कि ये 3 6 के 6 फ्यूज़ वापस से फ्यूज़ हो जाते हैं। अब गाइस, मैंने इसको हटा दिया है, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि ये अल्ट्रा वे का ये वाला मॉडल आप लोग परचेस करें। सॉरी अल्ट्रा वे, मैंने बहुत उम्मीद के साथ आपको मंगाया था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको इंस्टॉल करने का मुझे। बाकी अभी हमारे नॉर्मल इंडिकेटर कुछ इस तरीके से चल रहे हैं, बाकी फ्लैशर देखते हैं। गाइज, अगर आपको लगाना ही है अपनी बाइक में फ्लैशर, तो मैं भी मेरा ओपिनियन यही रहेगा आप इस फ्लैशर को मंगाने के बाद कि आप मंगाएं तो अच्छी क्वालिटी के एंड अच्छे ब्रांड के ही फ्लैशर यूज़ करें अपने बाइक में, नहीं तो आपकी बाइक के साथ कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, एंड ATC कुछ भी हो सकता है। गाइज, मैं अब नहीं बता सकता इसके आगे कुछ भी। तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा, एंड बता दूँ आपको कि अल्ट्रा वे का ये बिल्कुल भी परचेस ना करें। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड मेरा बताने का मोटिव बस यही था कि ये इस टाइप के प्रोडक्ट बिल्कुल भी आप बाय ना करें, अच्छे प्रोडक्ट एंड जेन्युइन प्रोडक्ट ही अपनी बाइक में यूज़ करें मॉडिफिकेशन के लिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा भारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके इंजन को लेके। क्योंकि गाइस, अपनी बाइक जो भी हैं, ये जितनी भी बाइक्स आप आ रही हैं वो सारी, तो इनमें फ्यूज़ वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप नहीं समझ सकते। तो प्लीज़ डोंट बाय दिस